एक तरफ जहां पूरे देश में राम मंदिर के दर्शन करने मंदिरों में भीड़ लगी है, नेता अभिनेता इस अवसर पर भगवान राम का आशीर्वाद लेने मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसके लिए पूरे देश में खुशी की लहर है। पार्टी एक ओर जहां आपसी द्वेष मिटाकर रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रही है, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान दर्शन करने की लालसा पर रोक लगाकर उन्हें मंदिर में जाने से इनकार कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 जनवरी को आरोप लगाया कि उन्हें असम के नगांव स्थित शंकरदेव मंदिर में जाने से रोक दिया गया। बता दें कि नगांव में स्थित बुदोरवा थान के इस धर्म स्थल को असम के संत श्री शंकर देव का जन्म स्थान माना जाता है। बुदोरवा थान मंदिर को शंकर देव मंदिर के तौर पर भी जानते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंकर देव मंदिर में पूजन अर्चन करना चाहते हैं। वहीं उनके आरोप के बाद सियासत गर्मा गई। अब पूर्व डिप्टी सीएम और सीडब्ल्यूसी सदस्य सचिन पायलट ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि असम में राहुल गांधी जी को आज सुबह श्री श्री शंकरदेव जी के जन्म स्थान के दर्शन करने जाना था, अचानक ही पुलिस ने उनको वहां जाने से रोक दिया। जब मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, तो आखिर राहुल जी को दर्शन करने से रोकने का मकसद क्या है? आस्था पर पाबंदी आखिर क्यों? इधर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस पूरे मामले के बारे में मीडिया को बताते हुए कहा कि जब हम वहां पर गए तो लगभग 10 बजे तक वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहा था। प्रशासन के द्वारा ये झूठ फैलाया गया, जिसका आदेश सीधा मुख्यमंत्री की ओर से आया था। आज इस अफवाह से सरकार ने बोरदोवा थान के इतिहास और श्री श्री शंकर देव जी की संस्कृति पर काला दाग लगाया है। तो कुल मिलाकर अब एक बार फिर से मंदिर के नाम की राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आगे चलकर ये किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।